गुड मॉर्निंग ऑल. टुडे वी आर गोइंग टू सी द सेफ्टी एट वर्क प्लेस. व्हाई सेफ्टी इज इम्पॉर्टेंट एट योर वर्क प्लेस और इन द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. हमारे जितने भी आईटीआई के ट्रेड्स होते हैं उस ट्रेड में हमारा जो स्टार्टिंग का जो दो वीक होते हैं, दो या तीन वीक होते हैं, पहले वीक में हम क्या सीखते हैं. इन फर्स्ट वीक व्हाट वी लर्न इन ड्यूरिंग और आफ्टर आवर एडमिशन, वी लर्न द इम्पॉर्टेंट ऑफ योर ट्रेड. आप जिस ट्रेड में आपका एडमिशन होता है आप वहाँ पे लर्न करते हैं कि ट्रेड का क्या इम्पॉर्टेंट है, ट्रेड का क्या सिग्निफिकेंट है, ट्रेड की क्या वैल्यूज़ है, ट्रेड में हम क्या सीखेंगे. और सेकंड वीक में हम सीखते हैं इम्पॉर्टेंट ऑफ सेफ्टी, सिग्निफिकेंट ऑफ सेफ्टी, फायर फाइटिंग, हम ये सब सीखते हैं. क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है इट कंसर्न विद द मशीन्स मटेरियल, वहाँ पे हजार्ड होते हैं और उससे बचने के लिए ट्रेनिंग का जो दो वीक है हमारे, उस वीक में हम सेफ्टी की स्टडी करते हैं. फिर हमारा क्या होता है, सेफ्टी की जब हम स्टडी कर लेते हैं फिर हम उसको साल भर सेफ्टी के बारे में हम कुछ नहीं देखते, हम चार्ट की स्टडी नहीं करते हैं, हमको जो सजेशन दिए जाते हैं, सूचनाएँ मिलती है, डू एंड डू नॉट्स, एसओपी होता है, हमें कैसा करना चाहिए, किस चीज़ को ऑपरेट करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, दे ओनली रिमेन्स हैंग्स ऑन द वॉल, दे ओनली रिमेन इन यूर बुक्स. वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस थिंग. सेफ्टी को जो है, सेफ्टी इज 24/7, हमको सेफ्टी की जो स्टडी करना है 24/7 हमेशा स्टडी करना है. सेफ्टी एक दिन, दो दिन, चार दिन, एक महीना नहीं, 24/7 है. हमको सेफ्टी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर हमको केयर करना पड़ता है. इंडस्ट्री में जब आप काम करते हैं कुछ चीज़ें से आपकी, छोटी चीज़ों से आपकी, आपका अनसेफ एक्ट से, अनसेफ बिहेवियर से, अनसेफ कंडीशन से कई घटनाएं हो जाती है. एक टाटा मोटर्स का एक आर्टिकल पढ़ने में आया था कि एक टाटा मोटर्स के जो मैनेजर थे वो तीसरे फ्लोर पे इंस्पेक्शन के लिए गए. जब वो इंस्पेक्शन के लिए गए तो वहाँ पे उनको एक फ़ोन आता है और वो फ़ोन में बिजी हो जाता है. ही वॉज टॉकिंग एंड वॉकिंग एंड टॉकिंग एंड वॉकिंग, ही फॉरगॉट ही इज़ ऑन द थर्ड फ्लोर एंड ही फेल डाउन फ्रॉम द थर्ड फ्लोर एंड ही डाइड. सेफ्टी डज नॉट थिंक हु यू आर. आर यू ए मैनेजर, आर यू ए इंजीनियर, आर यू ए डॉक्टर, और आर यू ए वर्कर और ए स्टूडेंट. सेफ्टी किसी के बारे में नहीं सोचती है. सेफ्टी जो होती है इंसान की एक गलती उसको हमेशा के लिए उसकी लाइफ स्पॉइल कर देती है. तो लाइफ जो है ही, लाइफ इज़ नॉट ए रिहर्सल. हमारी ज़िंदगी रिहर्सल नहीं है. यहाँ पे रीटेक नहीं होता, यहाँ पे वन टेक होता है. आप वर्क प्लेस पर जा रहे हैं, आप काम के लिए जा रहे हैं. एक पुरानी फिल्म थी उसका गाना था, वो बच्ची एक गाना गा रही है, उसके पापा जाते हैं काम पे, वो कहती है कि सात समंदर पार के पार से, गुड़ियों के बाजार से, पापा जल्दी आ जाना चाहे गुड़िया ना लाना, समबडी इज़ वेटिंग फॉर यू, समबडी इज़ वेटिंग एट योर होम. ड्यूटी इज़ अवर लाइफ, ड्यूटी इज़ पार्ट ऑफ अवर लाइफ, बट सेफ्टी इज़ अवर प्राइम इम्पॉर्टेंट. सो प्लीज़ इस वीडियो को, जो भी आप जब देखेंगे इस वीडियो को, आप शेयर करो. मैंने आज तक किसी वीडियो को बेटा शेयर करने के लिए कभी नहीं कहा, क्योंकि दिस इज़ अ नेशनल मिशन. यू आर वर्किंग फॉर द नेशन, यू आर वर्किंग फॉर अवर ह्यूमन बींग. आपका वीडियो हो सकता है किसी की लाइफ बदल दे, हो सकता है किसी को बचा ले. अनसेफ एक्ट क्या होते हैं, अनसेफ बिहेवियर क्या होते हैं, हमें सेफ्टी का जो डेफिनेशन है, सेफ्टी क्या होती है, हम बारे में आज हम देखते हैं. व्हाट इज मीन बाय सेफ्टी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ सेफ्टी. तो अब हम ये देखते हैं यहाँ पे कि भाई सेफ्टी क्या है. सेफ्टी एट योर वर्क प्लेस, हम क्या सीखेंगे. एट द एंड ऑफ लेक्चर व्हाट विल वी लर्न, एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर वी विल लर्न व्हाट इज सेफ्टी. ये वीडियो देखने के बाद हम क्या सीखेंगे, सेफ्टी क्या होता है. अंडरस्टैंड द एक्सीडेंट एंड इट कॉजेस एंड इट कॉस्ट, एक्सीडेंट के परिणाम क्या है और उसकी कीमत कितनी चुकानी पड़ती है ये हम देखेंगे. प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट और टोटल एम्प्लॉयज इन्वॉल्वमेंट. यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कह रहा है तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कोई घटना अगर हो जाती है, वी ब्लेम टू ईच अदर, हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, भाई ये तेरी जिम्मेदारी थी, ये तेरे वजह से हुआ, इसमें मेरा दोष नहीं है. सेफ्टी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी वन. तो हम देखते हैं व्हाट इज मीन बाय सेफ्टी. सेफ्टी के तीन डेफिनेशन है. सेफ्टी यानी क्या, द कंडीशन ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनलाइक कॉज डेंजर डैमेज रिस्क और इंजुरी. ये एक डेफिनेशन है कि भाई अपने आप को सेफ करना है किससे, डेंजर से, डैमेज, रिस्क और इंजुरी. ये एक डेफिनेशन है. दूसरी है सेफ्टी इज टू अवॉइड और रिड्यूस द रिस्क और एक्सीडेंट.
यह सेफ्टी इज ए फ्रीडम फ्रॉम ऑकरेंस ऑफ एनी रिस्क इंजरी लॉस हर्ट एंड थ्रेट्स, जो हम इसको मिनिमाइज करने के लिए जो भी हम एक्शन प्लान करेंगे उसे हम सेफ्टी कहते हैं। नाउ वी विल सी व्हाट इज मीन बाय एक्सीडेंट। एक्सीडेंट मीन्स व्हाट, एक्सीडेंट्स क्या होता है। जिस तरह अगर हमारी गवर्नमेंट, हमारा डिपार्टमेंट या हमारी इंडस्ट्री, हम प्लान करते हैं, फ्यूचर प्लान करते हैं, फाइनेंशियल प्लान करते हैं, लेकिन वी कैन नॉट प्लान फॉर द एक्सीडेंट। हम एक्सीडेंट के लिए प्लान नहीं करते, क्यों? कि एक्सीडेंट्स आर अनप्लान्ड, अनडिफाइंड, अनवांटेड, अनकंट्रोल्ड इवेंट और एक्शन विच कॉज इंजुरी, डैमेज, लॉस, हर्ट और डेथ इज कॉल्ड एक्सीडेंट। एक्सीडेंट अनप्लान होता है, अनवांटेड होता है, कोई नहीं चाहता कि उसका एक्सीडेंट हो। हम ऐसा डिफाइन नहीं करते कि आज हमारा एक्सीडेंट होगा, आज हम इसको प्लान करते हैं, आज हम इसको देखते हैं। इट इज अनप्लान है, अनडिफाइन है, अनवांटेड है, अनकंट्रोल है, अनएक्सेप्टेबल है, जिससे क्या होता है, जिससे हमारा लॉस होता है, इंजुरी होता है, डैमेज और इवन हमारी डेथ हो जाती है, उससे हम एक्सीडेंट कहते हैं। व्हाट हैपन वन एक्सीडेंट इज कॉस्ट, वन जस्ट वन एक्सीडेंट, जस्ट वन एक्सीडेंट कैन रूइन ऑल फ्यूचर प्लान्स। किसी अगर एक घर में दुर्घटना घट जाती है तो उस घर में क्या होता है, उस घर में सेविंग का प्लान चौपट हो जाता है। अगर उनको कोई घर का बांधकाम चालू है वो सब बंद करना पड़ता है, चिल्ड्रन का एजुकेशन सफर हो जाता है, डॉटर या सन की मैरिज है वो प्लान हम नहीं कर पाते, बिजनेस एक्सपेंशन नहीं होता है। जस्ट वन एक्सीडेंट कॉज द लॉट ऑफ कॉस्ट, बहुत ज़्यादा उसमें नुकसान हो जाता है। अब देखते हैं व्हाट आर द कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट, कॉजेस क्या एक्सीडेंट के। एक्सीडेंट के जो कॉजेस है, पहला है अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन, अनसेफ बिहेवियर, एनवायरमेंट कॉजेस, मैकेनिकल कॉजेस, ह्यूमन फैक्टर, दीज आर द मेन कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट। दीज कॉजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्सीडेंट। पहले देखते हैं व्हाट इज मीन बाय द अनसेफ एक्ट। अनसेफ एक्ट क्या होता है, फेलियर टू यूज द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आईटीआई में हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जब सेफ्टी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमको पीपीई के बारे में आता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अनसेफ एक्ट में क्या आता है, इन अनसेफ एक्ट वी आर फेलियर टू यूज द पर्सनल प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट। हम पीपीपी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम शूज नहीं पहनते हैं, गॉगल्स का इस्तेमाल, हेलमेट जो हमको सेफ रखता है एट द वर्क प्लेस, उस चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना भी हमारा एक अनसेफ एक्ट है। ऑपरेटिंग विदाउट अथॉरिटी, एक मशीन है या एक आपका जो भी आपका व्हीकल है या मशीन है, आप उसको विदाउट अथॉरिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको परमिशन नहीं है, आप उसको लेके जा रहे हैं, आपने उसकी परमिशन नहीं ली, आपने संबंधित से उसकी ये नहीं की कि इसको कैसे ऑपरेट करना चाहिए। ऑपरेटिंग और वर्किंग एट अनसेफ स्पीड, दिस इज अनसेफ एक्ट। ये भी होता है कि आप जो ऑपरेशन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा स्पीड में कर रहे हैं या अनसेफ स्पीड में कर रहे हैं, ये भी एक एक्सीडेंट का आपका कॉज होता है। मेकिंग द सेफ्टी डिवाइस नॉन ऑपरेटिव, आपके पास जो सेफ्टी डिवाइसेस है, जो आपके पीपी है, वो नॉन ऑपरेटिव है, वो वर्किंग में नहीं है, तो इस कंडीशन में भी क्या हो सकता है कि आपका वो एक्सीडेंट होने के चांसेस है। यूजिंग अनसेफ इक्विपमेंट और मशीन और हाउस प्लेइंग, डिस्ट्रैक्टिंग और टीजिंग, काम के जगह पे मस्तियां करना, हंसी मजाक करना, जो काम कर रहा है उसको डिस्टर्ब करना, ये आपका क्या है, अनसेफ एक्ट है। एक्ट इज कंसर्न विथ यूअर एक्शन एंड बिहेवियर इज कंसर्न विथ यूअर मोरल बिहेवियर इज मोर रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो हमने देखा है अनसेफ एक्ट, अनसेफ एक्ट में आपको ये याद रखना है कि भाई आपको पीपी का इस्तेमाल करना है, ऑपरेटिंग विथ रिक्वायर्ड स्पीड पे आपको करना है, सेफ्टी डिवाइस आपको सही समय पर आपको लगाना है, उसको ऑपरेटिव कंडीशन में रखना है, मशीन में जो गार्ड है, इक्विपमेंट है, उसमें सेफ है या नहीं उसको आपको निश्चित करना है, और काम की जगह, वर्क प्लेस की जगह पर आपको यानी हॉर्स प्ले नहीं करना है, धूम आपको वहाँ पर डिसिप्लिन के साथ रहना है। अब देखते हैं व्हाट इज मीन बाय अनसेफ बिहेवियर। अनसेफ बिहेवियर इज डिफाइंड एज एन बिहेवियर दैट एन एम्प्लॉयज इंगेज इन विदाउट रिगार्ड टू सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन, स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर, इंस्ट्रक्शंस एंड वार्निंग, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये अनसेफ बिहेवियर है। अनसेफ बिहेवियर और अनसेफ एक्ट, इनमें क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ बिहेवियर। बिहेवियर इज मोर रिस्पॉन्सिबल, आपको पता है कि अगर आप यहाँ पे ऐसा वर्क कर रहे हो तो आप यहाँ से गिर सकते हैं, यू नो व्हाट विल हैपन इफ यू फेल डाउन,
आपको पता है आप यहाँ से जा रहे हैं तो आप आपको सब पता है, यू नो द इंस्ट्रक्शन, यू नो द प्रोसीजर, यू नो व्हाट हैपन इफ एक्सीडेंट ऑकर, बट इवन दो यू आर डूइंग दैट थिंग मीन्स यू आर अनसेफ बिहेवियर. बिहेवियर इज कंसर्न टू योर कंडक्ट, बिहेवियर इज कंसर्न टू योर मोरल. आपको मालूम होने के बाद में भी अगर आप वो एक्टिविटी कर रहे हैं तो यू आर अंडर अनसेफ बिहेवियर. ध्यान रखो बेटा, अनसेफ एक्ट क्या है आपको पता नहीं होता है, आप कुछ काम कर लेते हैं और आपका वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है. लेकिन बिहेवियर में क्या होता है, अनसेफ बिहेवियर, दो चीज़ें ध्यान में रखना है. अनसेफ एक्ट में क्या है कि इसमें कहीं कहीं आपका डूइंग है काम करते टाइम पे. अब यहाँ पे देखो, वॉच आउट फॉर द अदर्स, अब ये लेके जा रहा है एक चीज़ लेके जा रहा है, उसे पता नहीं कि पीछे किसी को लग सकती है, ये उसका एक्ट है, उसके पता नहीं किसी को लग जाती है. लेकिन इसको यहाँ पे इसको चोट आ गई, इसको यहाँ पे इसको इंजुरी आ गई, तो ये आपका क्या होगा, ये यहाँ पे मशीन है, इसको इसको गार्ड नहीं है, यहाँ अगर कोई मूविंग पार्ट में हाथ रख रहा है तो उसको इंजुरी हो सकती है. दिस इज नथिंग बट यू आर अनसेफ एक्ट, बट इट इज अनसेफ बिहेवियर. आपको पता है यू आर वर्किंग ऑन द हाइट. If unwanted thing will happen, you will fall down and you will got injury. आपको पता है आप ऊपर जा रहे हैं लेकिन आप यहाँ से गिर सकते हैं. तो unsafe behavior is more concerned to your conduct, to your moral. इसमें क्या है कि हम rules and regulation को bypass करना, standard operating procedure को इस्तेमाल नहीं करना, warning और symbol को दुर्लक्ष करना. तो ITI में जो हमारे पास में जो चार्ट होते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में हमारे पास में जो भी प्रोसीजर होता है, डू एंड डू नॉट्स, हम उसको पहले वीक में लिख लेते हैं बेटा. उसके बाद में हम उसको कभी नहीं देखते, हम कभी नहीं पढ़ते कि बेटा व्हाट इज मीन बाय डू, व्हाट इज मीन बाय डू नॉट. इंडस्ट्री में जो मशीन ऑपरेट करना है, मशीन को हमको कैसा रन करना है, ये हमारे सभी चीज़ें दे रिमेन रैंक हैंग्स ऑन द वॉल्स, दे रिमेन इन द थ्योरी पेजेस. तो आपको क्या करना है, अभी आपको जाने के बाद आपको हर प्रोसेसर को डेली, आपको नहीं तो वीक में एक मरतबा तो भी आपको ये सभी चीज़ें आपको सीखना है, इससे आप यू कैन अवॉइड द एक्सीडेंट. तीसरा, आई विल आस्क यू क्वेश्चन, हमने नाउ आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन के अ प्लेस ऑन विच नो एक्सीडेंट ऑकर, वुड यू कॉल डेट प्लेस इज सेफ और नॉट. एक प्लेस है, एक जगह है जहाँ पे कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो क्या वो प्लेस सेफ है? आंसर है नो, द प्लेस इज नॉट सेफ. Why? First you know what is mean by safe place. Safe place क्या होती है? The place where no unsafe behavior, no unsafe action or no unsafe condition observed is called a safe place. जो place पे unsafe behavior नहीं होता है, जो place पे unsafe condition नहीं होती है, ये जो कर रहा है, he is under the unsafe behavior. इसे पता है कि train आ रही है फिर भी जा रहे हैं. 99 टाइम्स आप ट्रेन से हिट नहीं होगे, लेकिन एक मर्तबा आप ट्रेन से हिट होगे. 99 मर्तबा आप मिस हो जाओगे, मिस नियर टू एक्सीडेंट, बट वन टाइम आपको डेफिनेट एक्सीडेंट हो जाएगा. अब यहाँ पे बता रहा है, ये एक ऊपर एक चीज़ है जो दिखता है कि भाई इट इज़ नॉट इन प्रॉपरली अटैच. इवन दो यू आर स्टैंडिंग अंडर दिस कंडीशन, सो इट इज़ यूर अनसेफ एक्ट है, ये आपका अनसेफ एक्ट जो आप कर रहे हैं, अनसेफ बिहेवियर अगर आप कर रहे हैं, अनसेफ बिहेवियर कर रहे हैं, अनसेफ एक्ट कर रहे हैं, तो आपका एक्सीडेंट वो जगह सेफ नहीं है. तो सेफ जगह किसे कहते हैं? जहाँ एक्सीडेंट होता है नहीं हुआ वो जगह सेफ नहीं होती है. जिस जगह पे हम अनसेफ बिहेवियर नहीं करते, अनसेफ एक्ट नहीं करते, अनसेफ कंडीशन नहीं होती है, उसे हम कहते हैं इट इज़ ए सेफ प्लेस. What is mean by unsafe condition? हमने अभी तक क्या देखा? We have seen unsafe act देखा हमने. Unsafe act क्या होता है कि operating without authority, operating with unwanted speed, horseplay. हमने देखा unsafe behavior क्या है. Unsafe behavior में आपको ये ध्यान में रखना है कि rules and regulation का पालन नहीं करना, SOP का पालन नहीं करना, warning को दुर्लक्ष करना, ये हमारे unsafe behavior में आते हैं. हमने देखा है कि भाई अनसेफ कंडीशन क्या होती है. अनसेफ कंडीशन ये है कि अब आपको पता है कि भाई ये यहाँ से ही लेके जा रहा है, इसके ऊपर सब उसका यहाँ पे लोडिंग है, ये पता है कि ये गिर सकता है, ये आपकी अनसेफ कंडीशन है. इट मे कॉज एक्सीडेंट. तो डिफेक्टिव इक्विपमेंट एंड मशीन आर अंडर अनसेफ कंडीशन, इन एडुकेट गार्ड एंड फेंसिंग. एक आधी मशीन है
एक आधे मूविंग पार्ट है और वहाँ पे गार्ड नहीं है, फेंसिंग नहीं है, आपको पता है कि आपका वहाँ से इंजुरी होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। कंजस्टेड वर्कप्लेस आपकी अनसेफ कंडीशन है, इन एडुकेट वार्निंग सिस्टम आपका अनसेफ कंडीशन है, इन एडुकेट लाइटिंग अगर है, आप वर्कप्लेस पे लाइट नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, लैक ऑफ क्लीनिंग नहीं है, वहाँ पे हाउसकीपिंग नहीं है, दीज आर टर्म अंडर अनसेफ कंडीशन। अनसेफ कंडीशन जो आपका वहाँ पे क्लीन वर्कप्लेस नहीं होना, लाइटिंग की व्यवस्था नहीं, वेंटिलेशन नहीं, कंजस्टेड जगह है, मशीन ख़राब है, ये आपकी अनसेफ कंडीशन में आते हैं। ये दो जो कंडीशन है, इन्वायरमेंट कॉजेस एंड ह्यूमन फैक्टर्स, इसमें क्या आता है कि एयर पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन है, पुअर वेंटिलेशन या टेम्परेचर, ये कॉजेज भी एक्सीडेंट के लिए कारण, इसका इससे भी बहुत से एक्सीडेंट हो सकते हैं। मेन कॉजेस आपके अनसेफ एक्ट, अनसेफ बिहेवियर, अनसेफ एक्शन है। इसी से क्या होता है कि इंसान में स्ट्रेस पैदा होता है, पोल्यूशन से वो सफोकेशन होता है, और इसी कॉजेस से इन्वायरमेंटल कॉजेस अफेक्ट द ह्यूमन फैक्टर, जिसमें आपको फटीक होता है, स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, ओवरबर्डन है और सिकनेस है। इससे भी ऑपरेटर की मेंटल कंडीशन अगर होती है तो उससे भी एक्सीडेंट के कॉजेस है। हाउ टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, को हम किस तरह मिनिमाइज करते हैं? हमने देखा है कि अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन, अनसेफ बिहेवियर को जब हम रिमूव करेंगे, इसको नील कर देंगे, तो एक्सीडेंट हमारे मिनिमाइज हो जाएंगे। इन्वॉल्वमेंट और मैकेनिकल कॉजेस को हमको इम्प्रूव करना है, जहाँ पे अगर मशीन अनगार्डेड है उसको गार्डिंग करना है, अगर आपका वेंटिलेशन नहीं है वहाँ पे वेंटिलेशन को अच्छा करना, बढ़ाना है, लाइटिंग नहीं है लाइटिंग की व्यवस्था करना है, तो इसको इम्प्रूव करना है, और ह्यूमन फैक्टर को मिनिमाइज करना है, स्ट्रेस को मिनिमाइज करना है, टेंशन को मिनिमाइज करना है, तो हम इस चीज़ को मिनिमाइज कर सकते हैं। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी, सेफ्टी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेफ्टी के लिए हमने पहले से देखा कि भाई वी आर ब्लेमिंग टू ईच अदर, वी आर ब्लेमिंग टू वन अनदर, के भाई अगर कुछ एक्सीडेंट होता है साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में फोरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंस्ट्रक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी वन। नोटिस, सेफ्टी इज ए शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी वन, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमको मन में रखना है कि किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हर किसी को इसके बारे में आपको जवाब देना है। तो आज हमने देखा कि व्हाट इज़ मीन बाय सेफ्टी, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ सेफ्टी एंड व्हाई सेफ्टी इज़ इम्पोर्टेंट। सो सेफ्टी अवेयरनेस में एक आपको ये करना है कि जो सेफ्टी हम जो देखते हैं, तो सेफ्टी के लिए आपको लर्न करना है, उसमें उसके बारे में थिंक करना है और एक्ट करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सेफ्टी में अवेयरनेस, मीन्स इफ़ यू आर नॉट ऑब्जर्विंग सेफ्टी, अगर आप सेफ्टी को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, आप सेफ्टी के मापदंड नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सेफ्टी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, फिर आप सेफ्टी को कुछ नहीं कर रहे, तो लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो सेफ्टी है उसको प्रमोट कीजिए, उसमें अवेयरनेस लाइजिए, लेके आइए, जो सेफ्टी के लिए वर्क कर रहा है उसको अप्रिशिएट कीजिए। और ये जो सेफ्टी जो है, सेफ्टी के लिए काम करना, वी आर वर्किंग फॉर द नेशन। आई होप यू विल लाइक मी माई दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। जो हमने लेक्चर जो देखा, इस लेक्चर को आप बहुत लोगों को भेजिए, और सेफ्टी के जो हमारे पास में जो चीज़ें हमने स्टार्टिंग में जो सीखा था, फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, NSQF में सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जो असेसमेंट में क्वालिटी ऑफ वर्क और सेफ्टी, इसको हर प्रैक्टिकल जॉब में सेफ्टी को आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है। सो प्लीज़ ऑब्जर्व द सेफ्टी, वर्क फॉर द नेशन, एंड प्लीज़ फॉरवर्ड दिस वीडियो टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स, सो कैन दे कैन लर्न अबाउट द सेफ्टी।